कैनेडाई प्रधानमंत्री के विमान में आई खराबी के कारण G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधि मंडल 3 दिन से भारत में ही रुके हुए हैं। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जस्टिन ट्रूडो स्वदेश रवाना होने वाले थे, लेकिन उड़ान से पहले ही जांच के दौरान जहाज में एक तकनीकी खराबी सामने आ गई, जिसके कारण कैनेडाई सशस्त्र बलों ने विमान एयरबेस CFC-001 को उड़ान भरने से रोक दिया। कैनेडाई प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को भारत में वापस ले जाने के लिए एक बैकअप प्लान CFC-002 भारत आ रहा है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में रुके विमान CFC-001 में आई खराबी को ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन बैकअप टीम भी प्लान में स्पेयर पार्ट्स के साथ भारत आ रही है। यदि वो स्पेयर पार्ट्स काम करते हैं और अगर विमान ठीक हो जाता है तो कैनेडाई प्रधानमंत्री और उनका प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को कैनेडा के लिए उड़ान भर सकता है। वहीं समाचार एजेंसीज के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधि मंडल को वापस लाने के लिए एक बैकअप विमान और दिल्ली में रुके हुए विमान के कुछ स्पेयर पार्ट्स भारत के रास्ते में हैं। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि ट्रूडो या तो बैकअप विमान से कनाडा के लिए उड़ान भरेंगे या फिर नई दिल्ली में रुके विमान को ठीक होने का इंतज़ार करेंगे। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि खराब जहाज में किस पार्ट को बदलने की ज़रूरत है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रूडो के विमान में खराबी आई है। इससे पहले भी कई बार विमान में खराबी के कारण ट्रूडो और उनके प्रतिनिधि मंडल को इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अक्टूबर 2016 में भी ट्रूडो के विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उड़ान भरने के आधे घंटे बाद ही वापस ओटावा लौटना पड़ा था। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो कैनेडा यूरोपियन संघ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बेल्जियम जा रहे थे। फिर अक्टूबर 2019 में ट्रूडो का VVIP विमान लैंगर पर लाए जाने के वक्त एक दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस दुर्घटना में जहाज के नोज और दाहिने इंजन काफी क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसके कारण विमान कई महीनों तक सेवा से बाहर रहा था। इसके अलावा दिसंबर 2019 में नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ट्रूडो को बैकअप विमान का इस्तेमाल करना पड़ा था। हालांकि बैकअप विमान को लंदन में रोक दिया गया क्योंकि रॉयल कैनेडियन फोर्स को उस विमान में खराबी का पता चला था। G20 शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद जस्टिन ट्रूडो रविवार रात नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन उड़ान से पूर्व जांच के दौरान जहाज में तकनीकी खराबी के कारण कैनेडाई सशस्त्र बलों ने CFC-001 विमान को उड़ने से रोक दिया, जिसे रात भर ठीक नहीं किया जा सका। कैनेडा के राष्ट्र रक्षा विभाग का कहना है कि कंपोनेंट में मेंटेनेंस प्रॉब्लम है जिसे बदलना होगा। अब देखना होगा कि कैनेडाई प्रधानमंत्री का विमान कब तक ठीक होता है और कब तक वो अपने वतन वापस लौट पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।